21 सितंबर से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न पूजा पंडालों की तैयारी चल रही जोरों पर। स्वच्छता को लेकर रोटरी क्लब दरभंगा के तत्वावधान में कर्पूरी चौक पर निकाली गई जागरूकता रैली, तो वही नगर विधायक संजय सरावगी व रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया विदा। रोटरी क्लब दरभंगा के तत्वावधान में रामानंद मिश्र बालिका उच्च विद्यालय लहड़ी साय में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें शहर के 16 शिक्षकों को बेस्ट अवार्ड से किया गया सम्मानित। बाढ़ पीड़ितों के सभी परिवार को पूरा मुआवजा एवं घोषित राहत सामग्री देने को लेकर भाकपा माले ने जिले के विभिन्न सड़कों को घंटों किया जाम। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहड़ी साय दरभंगा के सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर 16 सितंबर से 17 सितंबर तक सेवानिवृत्त हुए 3 शिक्षकों के सम्मान में एक विदाई समारोह का किया गया आयोजन, तो वही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने तीनों शिक्षकों को पाग चादर व कलम भेंट कर किया सम्मानित। डीएमसीएच में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। घनश्यामपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय पर अनुमंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत निकाला प्रतिवाद मार्च। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर बाबा साहेब राम महाविद्यालय पजाडी में एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। बहेरी पश्चिमी बघौनी व समदपुरा पंचायतों को मिलाकर बहेरी को नगर परिषद का दर्जा मिलने पर सामाजिक राजनीतिक एवं स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता किया व्यक्त। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, मौके पर सत्र न्यायाधीश व जिला अधिकारी रहे मौजूद। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दरभंगा के तत्वावधान में जिला स्तरीय कला उत्सव 2017 का आयोजन सभी मुस्लिम हाई स्कूल लहड़ी स्टाइल में किया गया। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में रविवार को होने वाली सिंडिकेट की बैठक की गई आयोजित, तो वही रविवार को भी खुले रहेंगे कार्यालय। घनश्यामपुर में मोहम्मद जमालुद्दीन विकास शर्मा सागर सिंह के नेतृत्व में शिवनगर एसआरडी पीडब्ल्यूडी सड़क को पूरे 2 घंटे तक किया गया जाम, साथ ही निकाला गया विरोध मार्च। क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने शेखपुरदानी पंचायत के हुल्लास प्रावी के समीप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मद से करीब 2.5 लाख की लागत से निर्मित चबूतरा का उद्घाटन एवं इसी योजना के मद से कन्हैया घाट कदम टोली मंदिर परिसर में 5,55,000 रूपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। डीएमसीएच में पटना से आई 6 सदस्यीय टीम ब्लड बैंक गार्ड की कमी एवं विभागों का कर रहे हैं जांच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी के पंडौल प्रखंड के सरसपाही गांव पहुंचे, तो वहीं सर्वप्रथम अयाची मिश्र द्वारा स्थापित सिद्धेश्वरी भगवती का दर्शन किया एवं उसके बाद अयाची मिश्र और प्रसव सेविका जय माया देवी की मूर्ति का किया अनावरण। शनिवार को जनता दल यू की ओर से प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व में हथौड़ी दक्षिणी पंचायत के पट्टा पट्टी में बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का किया गया वितरण। क्योटी थाना में अलग अलग मामले के 2 FIR दर्ज, FIR में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, वही यह मामला शेखपुर डंगरवाड़ा गांव का। झंझारपुर स्टेट बैंक अपने पुराने ग्राहकों की सुविधा के लिए कैंप लगाकर बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक कर रही। झंझारपुर न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, तो वहीं लोक अदालत में 78,296 रुपए राशि के वाद का किया गया समझौता।